नॉर्दर्न रेलवे का जोनल ट्रैक मेंटेनेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन NRMU लखनऊ मंडल द्वारा चारबाग लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसमें लखनऊ, मुरादाबाद, अम्बाला, दिल्ली व फिरोजपुर मंडलों से ओपन लाइन व निर्माण अनुभाग के लगभग 1000 ट्रैक मेंटेनेंस ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कामरेड शिवगोपाल मिश्र, महामंत्री AIRF, अति विशिष्ट अतिथि श्री सतीश कुमार पांडे, प्रमुख मुख्य अभियंता उत्तर रेलवे व श्री सुरेश कुमार सप्रा मंडल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे लखनऊ के अतिरिक्त अनेक वरिष्ठ रेल अधिकारी व यूनियन के केंद्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कामरेड SK त्यागी ने किया व संचालन लखनऊ मंडल के मंडल मंत्री कामरेड RK पांडे ने करते हुए कहा कि ट्रैक मेंटेनेंस भारतीय रेल की रीढ़ है व उनके कार्य की बदौलत रेल व मालगाड़ियां सुरक्षित चलती हैं। कार्यक्रम के दौरान ट्रैक मेंटेनेंस के कार्य पद्धति से संबंधित अनेक वीडियो प्रदर्शन हुए, जिसकी उपस्थिति प्रतिनिधियों ने बहुत सराहना की। इस अवसर पर एक स्मारिका कर्मयोगी का भी विमोचन अतिथि द्वारा किया गया। ये हमारे जो ट्रैक मेंटेनेंस के भाई हैं, इनकी प्रमोशन के लेके, इनकी आने वाला जो इनका प्रमोशन के मेन तो समस्या इनकी प्रमोशन से रिलेटेड है, क्योंकि ये आपको पता है जो रेल चल रही है वो इसमें ट्रैक मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि इनका सबसे मेन वर्क इनका है। और ये बेचारे 1800 में इनकी भर्ती होती है और 1800 में ही इनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम लोग रेल प्रशासन से, सेंटर से अपनी पहले यहाँ मीटिंग करें, उसके बाद आने वाले समय में हम लोग पार्लियामेंट पे एक बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए आज से ये भूमिका यहाँ से बनाई जा रही है ट्रैक मेंटेनेंस। जो समस्या है उससे क्या रिलेटेड किसी भी विभाग से या अधिकारियों से आपने पहले कोई संपर्क संपर्क हमारा अधिकारियों से बराबर होता है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड से बराबर, हमारे महामंत्री कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी वो बराबर इस भूमिका में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार टेबल पे ऑन द टेबल आके कुछ और कहती है, हमारी मांगों को मानती है, लेकिन पीछे बाद में उन्हीं मांगों को वो विरोध करके उनको भूल जाती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग अलग करते हुए हमारे कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी, अब हम लोग एक समय आ गया है कि एक झंडे के नीचे आके हम लोग इस बड़ी लड़ाई को यहाँ से स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ मन मना लिए। आज की मीटिंग में आपके पूरे ओवरऑल नॉर्दर्न रेलवे से आए, अम्बाला, फिरोजपुर, दिल्ली, मुरादाबाद हेडक्वार्टर से सब लोग, सब डिवीजन से, पूरे नॉर्दर्न रेलवे से आए हैं, और इसी प्रकार हम लोग प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में करने हैं। ऑल इंडिया रेलवे सॉल्यूशन जो है उसकी सबसे बड़ी और विश्वास है, रेलवे में जो लोग काम करते हैं उनकी सुरक्षा नहीं होगी, जो सुरक्षित चलेंगी तो देश का विकास होगा। हमें खुशी है कि इस कॉन्फ्रेंस लेकर के हो रही है ट्रैक मेंटेनेंस को, उसको लखनऊ मंडल आयोजित कर रहा है। इसके आयोजन में पूरे
नॉर्मल रेलवे के जो ट्रैकमेंट यूनिट साथी हैं, फीमेल है, मेज है, जेई है, एसएससी है, गेटमैन है, सब लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर सब लोग मिल करके तय कर सकें कि ये जो रात दिन 24 काम करते हैं मौसम में, तो इनके नीतियों के लिए, इनके जो काम करने की जो वर्किंग कंडीशन है, क्या सुधार लाया जाए। और इनके सबसे ज़्यादा लोग जो भारतवर्ष में जो है वो एक्सीडेंट के दौरान मरते हैं, काम करते हुए, उनमें इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। हर साल 500-400 जो है वो ट्रैकमैन के मेरे साथी शहीद होते हैं, पेट्रोल टैंक साथी शहीद होते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। हम लोगों ने इसके लिए रक्षक को मान्यता दिलवाई, लेकिन अभी तक सेंक्शन होने के बावजूद लोगों को मिल नहीं रहे हैं। उनकी सुरक्षा को जो है वो कैसे ध्यान में रखा जाए, उस पर ये कॉन्फ्रेंस चर्चा करेगी। और साथ इसके मेजबान चर्चा करेंगे कि जो 68,000 किलोमीटर उनका जो मेंटेन करने वाली लाइफ लाइन को मेंटेन करने वाले साथी हैं, वो भी कैसे मेंटेन करेंगे ताकि ये दुर्घटनाएं कम हो और रेल जो है वो आबाद तरीके से चले, देश का भी विकास। सीयूजी जो उनको मिला खतरनाक चीज़ है, सवाल ये सीयूजी जब से मिला है तब से दुर्घटनाएँ और बढ़ गई, उसके माध्यम से कंट्रोल में बैठ करके लोग उनको जो है वो बुलाते हैं। उस समय गाड़ियां निकल रही होती हैं, वो वहाँ कंट्रोलर जो है वो उनको डिस्टर्ब करता है, और डिस्टर्ब करने के नाते की वैन की अक्सर तमाम की जो है वो मृत्यु हुई है। तो हम तो ये सीयूजी के खिलाफ है। हाँ, पेट्रोल मैन साथियों को सीयूजी मिला है और उनको सीयूजी की आवश्यकता भी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रक्षक मिलना चाहिए। बोर्ड के आदेश हैं, महाप्रबंधकों को भी आदेश है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक विभाग फाइनेंस का है वो हर चीज में जो है वो कटौती करता रहता है। मैं चाहता हूँ कि जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और फाइनेंस डिपार्टमेंट को इमीडिएटली हम प्रस्ताव देने वाले हैं, आज की तारीख में उनको एक तारीख देने वाले हैं कि अगर ये 3 महीने के अंदर सबको रक्षक नहीं मिलेगा तो हमारे ये साथी जो है वो उतरेंगे और गाड़ियां जो हैं वो अगर नहीं चले या असुरक्षित चले तो हमारी जिम्मेदारी वो भारत सरकार में बन जाए। यूनियन का आज NRMU के द्वारा अधिवेशन हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें ट्रैक मेंटेनरों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। उसमें समस्याओं में मेन समस्या ये थी कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी 2800 ग्रेड पे में रखा जाता था लास्ट तक, और जो डिपार्टमेंट जो लोग हैं उनको बहुत जल्द प्रमोशन करके उनको 4200 ग्रेड पे तक दे दिया जाता था, जो कि सुपरवाइजर ग्रेड पे। हम लोगों ने हमारी जो मुख्य डिमांड थी उनको LDC जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं लिमिटेड कोटे की होती हैं उनके तहत देने का प्रावधान रखा कि हमें LDC कोटे में वैकेंसी दी जाए, जिससे हम एक पटरी संघर्षशील कार्यकर्ते हैं उनका एक कुछ समय के बाद एक अच्छी पोस्ट पे प्रमोशन हो जाए, उसके बाद हम अगले डिपार्टमेंट को रेलवे की सेवा में कार्य कर सकें। ट्रैक मेंटेनेंस जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ डिमांड रखी गई थी, उसके बारे में बताएं। ट्रैक मेंटेनेंस को समझने के लिए गेट मैन की जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की रखा गया, तथा गेटों पे जो सुरक्षा जाल है और शौचालय बाथरूम इनकी व्यवस्था करनी थी। राम नारायण, अब मैं लाल डिवीजन से आया हूँ मैं, और मैं अपने सारे साथियों के साथ में आया हूँ इसलिए कि जो पुराना पेंशन है हमारा वो लागू किया जाए। NRMU के महासचिव श्री मिश्रा जी से हमने सब बोले हैं कि हमारे को UPS पुराना पेंशन योजना लागू करवाए। सुल्तान के समय हूँ, ट्रैकमैन का पत्रकार हूँ। यहाँ लखनऊ में ट्रैकमैन कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था और मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख मुख्य इंजीनियर उत्तर रेलवे का आए थे। उनके सामने LDC के लिए सारी मांगे रखी गई, ट्रैकमैनों को 8 घंटे की ड्यूटी के लिए मांगे रखी गई थी, उनके करियर प्रोग्रेस के लिए समय समय से GDC LDC भर्ती आनी चाहिए, लेकिन उनके सामने बहुत कुछ रखने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने कार्यों के लिए करने के लिए कहा, लेकिन हमारे करियर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, शायद वो बाहर थे। चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।